Assalam-o-Alikum. Welcome to online classes. This is me, Shahzad Ahmed, and from now onwards, I'm going to teach you biology. Hope so कि हमारा ये experience अच्छा रहा होगा. तो जैसे कि हम 9th class का cell cycle जो है ना वो chapter पढ़ रहे हैं, तो मैम ने आप लोगों को पहले भी cell cycle के बारे में थोड़ा सा introduction करवाया होगा, तो आप लोगों को उसके बारे में इल्म होगा. अब हमारा topic है mitosis. Mitosis को हम start करते हैं. तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी जनरल डिटेल है. इन 1980s जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग ऑब्जर्व माइटोसिस इन डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी जनरल आउटलाइन थी. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं. ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एज इन पेरेंट्स. ठीक है, तो डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी ये जो इलेबोरेशन की तरफ देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास एक पेरेंट सेल है. ठीक है, तो ये जो एस फेज में ये सबसे पहले हमारे पास बन चुका होता है. ठीक है, डबल क्रोमोसोम बन चुका होता है. ठीक है, अब देखें ये पेरेंट है. ये पेरेंट जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसके पास हमारे पास दो डॉटर क्रोमोसोम्स आएंगे. ठीक है, तो इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये इक्वल है पेरेंट के. अब डेफिनेशन को दोबारा फिर देखें. ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इन टू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, इन टू टू डॉटर सेल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट. तो ये डॉटर और पेरेंट के क्या हैं, क्रोमोसोम सेम है. अब देखते हैं, अकर ओनली इन यूक्रियोट्स. ठीक है, माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोट्स में होती है, नॉट इन प्रोक्रियोट्स. प्रोक्रियोट्स में नहीं होती है. इसकी रीज़न क्या है, मैंने आगे क्वेश्चन मार्क किया है कि ये प्रोक्रियोट्स में क्यों नहीं होती. इसकी रीज़न ये है कि हम जानते हैं प्रोक्रियोट्स में जो इनमें न्यूक्लियस होता है, या हम जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, वो प्रॉपर नहीं होता. ठीक है, जिसकी वजह से इनमें माइटोसिस नहीं होती है. ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, जो जर्म लाइन सेल्स हैं इनमें नहीं होती. जो सोमैटिक सेल्स हैं ये हमारी बॉडी, जो हमारी पूरी होल बॉडी है उसको उनको क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं. ठीक है, जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये गैमेट्स भी कहलाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग और स्पर्म्स हैं. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि जो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है, और हमारी होल बॉडी जो है वो इन सेल से बनी होती है. जर्म लाइन सेल्स इनमें मियोसिस होती है. ठीक है, तो आगे माइटोसिस की फेजेस हैं, दो फेजेस हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इससे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइटो से मतलब होता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, साइटो और साइटोप्लाज्म की डिवीजन. ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. अब हम आते हैं बेसिकली, पहले हम कैरियोकाइनेसिस को कैरी ऑन करेंगे, बाद में साइटोकाइनेसिस को देखेंगे. कैरियोकाइनेसिस में जब हम आते हैं तो इसकी चार फेजेज हैं. ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. तो सबसे पहले हम प्रोफेज को देखेंगे. प्रोफेज से पहले हमें थोड़ा सा पता है, नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज लूज थ्रेड लाइक. ठीक है, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं. ठीक है, प्रोफेज से पहले क्या होता है कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो लूज थ्रेड लाइक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन कहते हैं. ठीक है, ऑन सेट ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज स्टार्ट होती है. ठीक है, तो कंडेंस, ये जो क्रोमाटिन होता है ये कंडेंस इनटू ऑर्डर स्ट्रक्चर, क्या हो जाता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर में हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रोमोसोम की आगे स्ट्रक्चर बनाई है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम की एक स्ट्रक्चर है. ड्यूरिंग एस फेज इट इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये एस फेज के दौरान, जो पहले मैम ने आप लोगों को पढ़ाया था उसके दौरान ये बन चुका है. ठीक है, तो इसमें ये जो स्पॉटेड एरिया है इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमेर. सेंट्रोमेर पे ये सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच होते हैं, दो इस तरफ से सिस्टर क्रोमाटिड्स और दो इस तरफ से क्या होते हैं, इस पे अटैच होते हैं. और इसमें ये रीजन होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं. ठीक है, तो क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमोसोम. तो क्या है, दो सिस्टर क्रोमोसोम. सेंट्रोमेयर इज ए रीजन वेयर सिस्टर क्रोमोसोम्स अटैच. ठीक है, तो ये सेंट्रोमेयर रीजन है जहाँ पे ये सिस्टर क्रोमोसोम्स दोनों जानों से जुड़े होते हैं. ठीक है, तो काइनेटोकोर ए प्रोटीन वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच. ठीक है,
तो ये जो काइनेटोकोर है, आप लोगों को शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, ये रीजन होता है जहाँ पे आगे हम चल के देखेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट होते हैं इनटू टू डॉटर सेंट्रोसोम्स, ईच गोज टू रिस्पेक्टिव पोल्स। अब ये मैंने नीचे डायग्राम के जरिए आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम भी कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन होती है तो ये एक डॉटर सेंट्रोसोम इधर आ जाता है, एक इस जानब आ जाता है, ठीक है। अब देखें, ये साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती हैं, ठीक है। इन ट्यूबुलिन प्रोटीन को कलेक्ट करते हुए ये जो सेंट्रोसोम है, ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। इनको स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है, ठीक है, सेंट्रोसोम गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। ये जो बने हुए, ठीक है, ये किन से बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, बाय जॉइनिंग ट्यूबुलिन प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पर मौजूद होती है, ये साइटोप्लाज्म में पूरी जो है ना स्कैटर्ड हुई होती है, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रोफेज स्टार्ट कहाँ से हुई है और प्रोफेज एंड कहाँ पर हो रही है, ठीक है। प्रोफेज स्टार्ट हुई है, ये जो थ्रेड इसमें बनते हैं कंडेंस इनटू स्ट्रक्चर ऑर्डर, ये ठीक है, ये क्रोमोसोम बना है। फिर एंड कहां पे हो रही है, नाउ न्यूक्लियर एनवलप डिग्रेडेड। तो ये हम देखते हैं, इसकी ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ऐसे मतलब ये खत्म होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या होगी, डिग्रेडेड एनवलप डिग्रेडेड। फिर इन प्लांट्स ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, प्लांट्स में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस ऑन वन साइड, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं प्लांट्स में क्या होता है, ये सेल है फॉर एग्जांपल, तो लार्ज एक वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स लैक सेंट्रियोल्स, इनमें ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये नहीं होते, इनमें जस्ट ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जो यहाँ पे एग्रीगेशंस बना देती है। फॉर एग्जांपल ऐसे एग्रीगेशंस बना देती है, ठीक है, जिसमें से ये क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूबल्स निकलते हैं, ठीक है। ट्यूबुलिन एग्रीगेशंस इनमें होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये प्रोफेज की आप लोगों को उस समय लग गई, स्टार्ट कहाँ से हुई है, कंडेंस इनटू ऑर्डर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम से स्टार्ट हुई है, आप लोगों को क्रोमोसोम का पता है। फिर एंड कहाँ पे हो रही है, इसकी न्यूक्लियर एनवलप क्या है, ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स निकल चुके हैं। अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ, तो मेटाफेज की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स ग्रोन, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या हो चुके होते हैं, ग्रोन हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं इसमें, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं, इनको क्या हम कहते हैं, कॉल्ड काइनेटोकोर फाइबर्स। क्या कहते हैं मेटाफेज में, इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, ठीक है ये। अच्छा, विच अटैच टू काइनेटोकोर। अब क्या होता है कि आप इसमें देख सकते हैं मेटाफेज में कि ये जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये ग्रोन हो चुके होते हैं और एक स्पिंडल फाइबर इस डॉटर जो है सेंट्रोसोम से और एक इस जानब से क्या होते हैं, यहाँ पे जो इनकी काइनेटोकोर होती है इधर आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, ये जो यहाँ पे सेंट्रोसोम पे अटैच नहीं होते, इनको क्या हम कहते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। तो ये आके यहाँ पे अटैच होते हैं। दोबारा देखें, स्पिंडल फाइबर्स ग्रोन, क्या होते हैं मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर्स ग्रो हो चुके होते हैं, ठीक है। कॉल्ड काइनेटोकोर फाइबर्स, इनको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक है काइनेटोकोर फाइबर्स और एक है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर यहाँ पे रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे ये काइनेटोकोर फाइबर्स आके अटैच होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, जो यहाँ पे इधर से गुजर जाते हैं, क्या होते हैं, इधर से गुजर जाते हैं और इधर से, इनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर, ठीक है। अच्छा, टू काइनेटोकोर फ्रॉम ईच साइड अटैच एंड फॉर्म ए मेटाफेज प्लेट एट इक्वेटर, ठीक है। टू फ्रॉम ईच साइड, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से आते हैं, तो क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट। ये क्या हमारे पास बन गई है, मेटाफेज प्लेट। तो ये हमारे पास है, पास है मेटाफेज, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि काइनेटोकोर स्टार्ट्स पुलिंग टूवर्ड्स देयर पोल्स। तो काइनेटोकोर क्या करता है, अब देखें,
ये जो काइनेटोकोर थे, काइनेटोकोर फाइबर्स, इन्होंने एक जो इसका था एक साइड, ये क्रोमोसोम की हाफ साइड, ठीक है, इसको अपनी जानब खींचा है और ये जो दूसरा है इसको अपनी जानब, ठीक है। तो ये है काइनेटोकोर स्टार्ट्स पुलिंग टुवर्ड्स देयर पोल्स, तो काइनेटोकोर ये अपनी जानब खींच रहे हैं, ठीक है। दे सेपरेटेड, तो क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो गए हैं, नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम, तो अब इनको क्या कहेंगे हम, सिस्टर क्रोमोसोम्स, ये है मैंने आगे मेंशन भी किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ एनाफेज, एनाफेज के एंड पर क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड एट देयर पोल्स, तो क्या होता है कि इसके एंड पे टू कॉपीज ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। ये एनाफेज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम आते हैं टीलोफेज की जन्म, तो टीलोफेज जो है वो प्रोफेज के क्या है, रिवर्स ऑफ एनाफेज, उसमें क्या था, क्रोमोसोम बना था, इसमें दोबारा जो है क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा क्रोमाटिन में, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर इन्वलोप फॉर्म्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वलोप क्या हुई थी, डिग्रेड हुई थी, अब दोबारा फिर इनके दरमियान न्यूक्लियर इन्वलोप बन जाएगी, अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमाटिन, यहाँ क्रोमाटिन से हमने बनाया था क्रोमोसोम, अब दोबारा फिर क्रोमोसोम क्रोमाटिन में चला जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीटेड, तो यहाँ तक हमारे पास जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस हमारा अगला लेक्चर होगा, होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी, थैंक यू।